सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप? मेरा नाम है गौरव एंड यू आर वाचिंग द साइंस सिस्टम। सो गाइज, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस धरती पर सोना चांदी बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है, लेकिन इसका होना या ना होने से किसी भी आदमी को गरीब या अमीर साबित किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास इतना ज़्यादा सोना आ जाए कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजस और बिल गेट्स से भी ज़्यादा पैसे वाले आदमी बन जाएं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जितना सोना धरती पर इस समय मौजूद है उससे कई गुना ज़्यादा अंतरिक्ष में मौजूद है। जिस समय ब्रह्मांड बन रहा था उस समय अंतरिक्ष में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हुई थी, जैसे छोटे तारों से बड़े तारों का टकराव होना या फिर छोटे ग्रहों से बड़े ग्रहों का टकराव होना। इस समय काफ़ी ज़्यादा धातुओं का आदान प्रदान एक दूसरे तारे से दूसरे ग्रहों तक हुआ था। इसलिए आज बड़ी मात्रा में बड़े बड़े उल्कापिंड और ग्रहों पर सोना चांदी जैसी बड़ी बड़ी धातुएं और कीमती धातुओं को देखा जा सकता है। हाल ही में नासा के साइंटिस्ट ने साइकी 16 नाम का एक ऐसा उल्कापिंड ढूंढ निकाला है जो कि जुपिटर और मार्स के बीच में चक्कर काट रहा है। और इस साइकी 16 की खास बात यह है कि ये 252 किलोमीटर चौड़ा है और इसके ऊपर धातुओं की भरमार है, जैसे कि लोहा, निकल, सोना और प्लेटिनम, यानी कि सफ़ेद सोना। इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आपको अमीर बना सकता है, इतना अमीर कि आप करोड़पति बन सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हमारे ही सूरज का चक्कर काट रहा है, जिसकी वजह से करीबन 3 से 4 साल के बाद यह हमारे अर्थ के ऑर्बिट को काट कर सूरज के पिछली ओर चला जाता है। इसलिए नासा के साइंटिस्ट ने भी दावा किया है कि एक समय जरूर आएगा जब ये उल्कापिंड पृथ्वी के पास से होता हुआ गुजरेगा और हो सकता है कि इसका पृथ्वी से भी टकराव हो जाए। अगर इस केस में ये पृथ्वी से टकरा जाता है तो धरती पे लबालब सोना तो आ जाएगा, लेकिन कोई भी उस सोने का हकदार नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रलयकारी होगा। लेकिन अगर ये उल्कापिंड बिल्कुल पृथ्वी के पास से होता हुआ गुजरेगा तो पृथ्वी के काफ़ी जगहों पर सोने की बारिश होते हुए देखा जा सकेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि ये उल्कापिंड धरती के पास से जब होते हुए गुजरेगा, जब हम इस धरती पर मौजूद नहीं होंगे, यानी कि हम मर चुके होंगे करीबन 100 से 150 साल बाद, यानी कि या तो हमारे वंशज इस धरती पर इस सोने के हकदार होंगे या फिर कोई भी नहीं, क्योंकि उस समय तक धरती भी शायद जीने लायक ना बचे। इसलिए कई लोगों ने नासा को फोर्स किया था कि ये साइकी 16 नाम के उल्कापिंड को खुद यहाँ खींच कर ला सके, लेकिन सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि इस उल्कापिंड को जुपिटर और मार्स के बीच में से खींच कर धरती के पास लाने में करीबन $1,000 ट्रिलियन का खर्चा आएगा। और अगर दुनिया में मौजूद 195 कंट्री की इकोनॉमी को भी मिला दिया जाए तो सिर्फ $76 ट्रिलियन ही बनते हैं, जो कि बहुत बहुत कम है। और काफ़ी सारे विशेषज्ञों का तो ये भी मानना था कि अगर मान लीजिए कि उल्कापिंड खुद भी धरती के पास आएगा, तब भी कोई भी व्यक्ति जो कि जिसको भी इसका सोना मिलेगा वो करोड़पति नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस समय सोने की अधिक कीमत इसलिए है क्योंकि वो धरती पर सबसे ज़्यादा कम मात्रा में मौजूद है और सबसे ज़्यादा कीमती धातुओं के अंदर गिना जाता है। लेकिन जैसे ही ये उल्कापिंड काफ़ी सारा सोना अपने साथ लेकर आएगा तो हर व्यक्ति के पास सोना ही सोना हो जाएगा, जिसकी वजह से सोना एक मामूली चीज़ बन जाएगी और इसके मार्केट प्राइस उतने नहीं जाएंगे जितने इसके होने चाहिए थे। इसलिए कोई भी व्यक्ति करोड़पति तो शायद नहीं बन पाएगा, परंतु थोड़ा सा अमीर जरूर हो जाएगा। सो गाइस, कैसा होगा कि अगर आपको सोना ही सोना मिल जाए और आप करोड़पति बनने की कगार पर आ जाएं, आप इतने सोने का क्या करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि सोना चांदी जैसे बड़ी धातुओं का निर्माण अंतरिक्ष में किस तरीके से हुआ था, तो आप उसके लिए कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर कमेंट अप्रोप्रिएट लगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही अमेजिंग साइंटिफिक वीडियोज को बनाता रहूंगा। डेली लाइफ में जुड़े हुए साइंटिफिक जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले बेल आइकन को भी साथ में दबा देना, ताकि आपको वीडियो मिले वो भी सबसे पहले। तो इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।